मिंडा वाली फॉग लाइट है, मिंडा की रिले के साथ है 2500 रुपए की कॉस्टिंग में जो है ये काम यहाँ पे किया गया है। तो क्रोम लाइन अपने डोर वाइजर जो है वो लगाए गए, टैंक कलर के एडिशन के साथ देखने को मिलने वाला है, जहाँ पे सीट कवर से लेकर के इसके डोर पैनल्स यहाँ तक के अपना डैशबोर्ड वाला पार्ट और बाकी सारी चीजें जो है वो आपको इसी कॉम्बिनेशन के साथ देखने को मिल जाएगी। 10,500 रुपीज की कॉस्टिंग में अपनी पावर विंडोज है और 8,500 रुपीज की कॉस्टिंग में अपनी जो मिरर है वो यहाँ पे इंस्टॉल किए जा चुके हैं। इंग्विल के ऊपर अपने कंट्रोल्स लगाए गए हैं जो कि टाटा जेन्मन रहने वाले हैं। एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी के साथ है, 232 की स्पेसिफिकेशन है और अपना जो है 8,500 रुपए की कॉस्ट में इसका इंस्टॉलेशन जो है वो किया गया है विद रियर व्यू कैमरे के साथ में। कैमरे का आउटपुट नाइट टाइम में यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। हाँ बढ़िया लगा हमें तो, काफी अच्छा काम करा है इन्होंने, मतलब जो वीडियोस में दिखाते हैं वही चीज मिलती है या फिर कुछ अलग हो जाता है? एग्जैक्ट जेन्युइन चीजें मिलती है और जो टाटा जेन्युइन वगैरह आपने देखी वो सब वैसी ही रही? हाँ जी बिल्कुल वैसी थी, सेम टू सेम, और बहुत कोऑपरेटिव नेचर था इनका भी काफी। वेलकम बैक वंस अगेन, मैं हूं अभी डेकोरम कार एक्सेसरीज करोड़ बाग में और अगेन अपने सामने खड़ी है दो टाटा की पंच, एक गाड़ी हमारे पास यूपी 50 नंबर है जिसकी बात हम लास्ट वीडियो के अंदर कर चुके हैं और आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इस वाले कार की जो कि अपनी HR 87 नंबर है जो कि बेसिकली फरीदाबाद जो है वहां से हमारे पास ये आई हुई है और इसका भी बजट ऑलमोस्ट जो है 83,000 रुपीज के आसपास का जो इनिशियल बजट है वो रहने वाला है। और इस बजट के अंदर क्या कुछ चीजें जो है इस वाली कार के अंदर इंस्टॉल करी जा रही है चलिए हम आपको डिटेल में बताते हैं। तो सबसे पहले कार का जो इंटीरियर है वो आप देख सकते हो, सारी सीटें वगैरह निकल चुकी हैं। टैन कलर का जो इंटीरियर है वो आपको इस वाली कार के अंदर देखने को मिलने वाला है जहां पे सीट कवर के ऊपर रियर में काम हो चुका है, फ्रंट में जो है वो अभी बाकी है। ये पैनल्स वगैरह खुल चुके हैं, पैनल्स के ऊपर अपनी जो रैपिंग का काम है वो कंप्लीट हो चुका है। नीतीश जो है अपना एंड्रॉइड वगैरह काम जो है वो कर रहा है। यहां पे आप देखोगे स्पीकर्स लग चुके हैं अवतार के, फ्रंट डोर के अंदर कंपोनेंट स्पीकर जो है वो प्रॉपर्ली यहां पे इंस्टॉल किए जा चुके हैं। एक बार आपको मैं इसका जो रियर डोर है वो भी चेकआउट करवा देता हूं। इसके अलावा दोस्तों रियर डोर की हम बात करते हैं तो रियर डोर के अंदर आपको अवतार के जो कैजुअल स्पीकर्स हैं वो यहां पे देखने को मिल जाएंगे। एक भाई का कमेंट आया था कि स्पीकर जो आप बताते हो कंपोनेंट और कोइजल दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, तो कोइजल आप यहाँ पर देख सकते हो इसके अंदर जो ट्विटर होता है वो आपको इनबिल्ट जो है वो देखने को मिल जाता है और जो अपना कंपोनेंट स्पीकर्स होता है उसके अंदर आपको एक असेंबली जो है वो स्पीकर की मिलती है। इसके अलावा एक असेंबली आपको क्रॉसओवर दी जाती है जो कि अंदर की तरफ जो है वो लगाई जा चुकी है और एक असेंबली आपको ट्विटर की मिलती है जो कि यहाँ पे जो ट्विटर है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो कंपोनेंट के अंदर आपको 3 यूनिट मिलती है जबकि कोइजल के अंदर आपको एक सिंगल यूनिट जो है वो दी जाती है। इसके अलावा दोनों के जो बॉक्सेस हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ये है अपना कंपोनेंट का, ये अपना कोइजल का बॉक्स आप यहाँ पे देख सकते हो और ये अपने कंपोनेंट का जो बॉक्स है वो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। एम्बिएंट लाइट जो है वो रहने वाली है, K4 6 पीस अपनी जो एम्बिएंट लाइट है वो आप देख लीजिए, 4 दरवाजों में रहेगी और 2 पीस आपको डैशबोर्ड के ऊपर देखने को मिल जाएंगे। स्टीयरिंग व्हील के ऊपर अपना रैपिंग का काम जो है कंप्लीट हो चुका है, डुअल टोन रैप जो है वो किया जा चुका है, कंट्रोल्स लग चुके हैं, सिस्टम लगना अभी बाकी है। यहाँ पे अपना जो है कंपनी का कपलर ये आप चेक कर सकते हो, उसके बाद अपना कपलर जो है वो लगा हुआ है ये आप यहाँ पर देख सकते हो। तो एंड्रॉइड सिस्टम जो है उसका अपडेट रहने वाला है। इसी तरीके से काफी कुछ अपडेट जो है इस वाली कार के अंदर रहेंगे और सिस्टम के साथ जो है वो अपना फ्रंट और बैक कैमरा जो है दोनों का सपोर्ट रहने वाला है और यहाँ पे जो वायरिंग करी जा रही है वो फ्रंट कैमरे की है। रियर कैमरा जो है वो आपको गट्टू कैमरा जो है वो देखने को मिल जाएगा जो कि बंपर में छेद करके नहीं लगाएंगे, अंदर की तरफ जो है वो आपको देखने को मिलेगा डिग्गी वाले पोर्शन के ऊपर। बाकी काम होने देते हैं, सेंटर डोर लॉकिंग जो है वो लग चुकी है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। फिलिप की का कन्वर्जन जो है वो किया जा चुका है। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर अपनी फरीदाबाद वाली गाड़ी भी रेडी हो चुकी है, चलिए आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ अपडेट जो है इस वाली कार के अंदर किए गए हैं। सबसे पहले रूफ पे आप देखोगे तो रूफ के ऊपर टेपिंग का जो काम है वो इस वाली कार के अंदर किया गया है, जहां पे कार का जो ए पिलर है ये आप चेक कर सकते हो, इसके ऊपर टेपिंग करी गई है, ऊपर वाले पार्ट पे टेपिंग करी गई है, साइड वाले पोर्शन के ऊपर टेपिंग है और रियर में आते हो तो स्पॉइलर वाले पार्ट के ऊपर कंप्लीट टेपिंग है वो यहाँ पे करी जा चुकी है। एवरी डेंसन की टेपिंग है वो यहाँ पर यूज करी गई है। इसके अलावा दोस्तों नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे अपना हेडलाइट सेटअप वगैरह में क्या अपडेट किया गया है, तो फॉग लाइट नहीं आती इस वाले मॉडल के अंदर, मिंडा वाली फॉग लाइट है, मिंडा की रिले के साथ प्रॉपर इसका जो इंस्टॉलेशन है वो यहाँ पे किया जा चुका है। 2500 रुपए की कॉस्टिंग में जो है ये काम यहाँ पे किया गया है। ग्लॉसी किट जो है वो इंस्टॉल करी जा चुकी है जिसमें आप यहाँ पे जो हेडलाइट है इसका सराउंड चेकआउट कर सकते हो। 10 पीस में आती है अपनी हेडलाइट है, इसी साथ अपना आउटसाइड रियर व्यू मिरर है, इस तरीके से आप इसके डोर हैंडल चेक कर सकते हो। रियर डोर हैंडल यहाँ पे लगे हुए हैं ये आप चेक कर लीजिए और अपना जो रियर का टेललाइट वाला पोर्शन है ये आप चेकआउट कर सकते हो। 10 पीस की किट आती है 2000 रुपए कॉस्टिंग में, इसका भी अपडेट जो है वो किया गया है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे लोअर गार्निश लगाई गई है जो कि अपनी 8 पीस में रहने वाली है, 6 पीस में यहाँ तक आती है और 8 पीस में ये वाला पोर्शन भी कवर करती है, ये आप चेक कर सकते हो। 1250 रुपए कॉस्टिंग में ये रहने वाली है। इसके अलावा दोस्तों ऊपर की तरफ आते हो तो क्रोम लाइन अपने डोर वाइजर जो है वो लगाए गए हैं जो कि पंच की प्रॉपर बैजिंग के साथ आपको देखने को मिल जाएंगी, ये पोर्शन आप चेकआउट कर सकते हो। ऊपर की तरफ गैली वाली अपनी रूफ रेल रहने वाली है जो कि प्रॉपर ग्लॉसी ब्लैक की फिनिश के साथ है, किस तरीके की इसकी फिट एंड फिनिश है वो भी आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। 2000 रुपीज की कॉस्टिंग में जो है इसका भी अपडेट किया जा चुका है। स्पॉइलर लगाया गया है जो कि अपना यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, 1800 रुपए की कॉस्टिंग में रहने वाला है और प्रॉपर ग्लॉसी ब्लैक की फिनिश के साथ जो है इसका भी यहाँ पे इंस्टॉलेशन आपको देखने को मिल जाएगा। बॉडी से कितना बाहर है वो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो, लुक किस तरीके का आ रहा है वो भी आप चेक कर सकते हैं। नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे अपना जो कैमरा है वो आपको देखने को मिल जाएगा इस वाली कार के अंदर, जो
टू कैमरा है वो लगाया गया, जिसकी प्लेसमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। फ्रंट और बैक कैमरा जो है दोनों है रहने वाले हैं, तो फ्रंट कैमरा जो है जब इंटीरियर में चलेंगे तो आपको दिखा देंगे। दोस्तों बारी है अब इस कार के इंटीरियर को चेकआउट करवाने की। तो कार का जो इंटीरियर है कंप्लीट आपको टैंक लग के एडिशन के साथ देखने को मिलने वाला है, जहाँ पे सीट कवर से लेकर के इसके डोर पैनल्स, यहाँ तक कि अपना डैशबोर्ड वाला पार्ट और बाकी सारी चीज़ें जो है वो आपको इसी कॉम्बिनेशन के साथ देखने को मिल जाएगी। डोर पैनल से स्टार्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे दो जेन्युइन अपडेट आपको देखने को मिल जाएंगे। एक अपना आउटसाइड रियर व्यू मिरर यहाँ पे अपडेट किया गया, दूसरी पावर विंडो जो है वो लगाई गई है। आउटसाइड रियर व्यू मिरर ऑटो फोल्ड के फीचर के साथ है, जहाँ पे बटन प्रेस करोगे मिरर फोल्ड हो जाएगा, अगेन बटन प्रेस करोगे मिरर अनफोल्ड हो जाएगा। इसके अलावा पावर विंडो जो है वो भी लगाई गई है, जिसमें आप देखोगे तो यहाँ पे पावर विंडो डाउन हो रही है, पावर विंडो अप हो रही है, ये भी प्रॉपर अपना वर्किंग देखने को मिल जाएगा। 10,500 रुपीज़ की कॉस्टिंग में अपनी पावर विंडोज हैं और 8,500 रुपीज़ की कॉस्टिंग में अपनी जो मिरर हैं वो यहाँ पे इंस्टॉल किए जा चुके हैं। इसके अलावा डोर पैनल आप चेक कर सकते हो, डोर पैनल के ऊपर कैसी कुछ फिट एंड फिनिश है वो आपको देखने को मिल जाती है। इंटीरियर काम जो है वो किया गया है और उसके नीचे लगी है अपनी K4 वाली एमनेट लाइट, जो कि 6 पीस में रहने वाली है, तो ये काम जो है वो किया। बाकी दोस्तों सीट पर बैठ चुका हूँ और यहाँ से कैसा कुछ व्यू आ रहा है वो आप चेकआउट कर सकते हो, क्या कुछ अपडेट किए गए हैं। डुअल टोन में अपना स्टीयरिंग रैप है, जहाँ पे आपको 10 और बैक का कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाएगा और ये 800 रुपए की कॉस्ट में किया गया है। स्टीयरिंग व्हील के ऊपर अपने कंट्रोल्स लगाए गए हैं, जो कि टाटा जेन्युइन रहने वाले हैं और ये भी अपने 3500 रुपए की कॉस्ट में रहने वाले हैं। डैशबोर्ड के ऊपर आप देखोगे यहाँ पे जो है इंटीरियर वर्क आपको देखने को मिल जाएगा, डोर पैनल्स के ऊपर किया। 3500 रुपए के अंदर जो है ये 6 पीस का सेटअप है जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल किया जा चुका है और यहाँ पे आप देखोगे जो अपना म्यूजिक सिस्टम का भी अपडेट रहने वाला है, जो कि प्रॉपर एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी के साथ है। 232 की स्पेसिफिकेशन है और अपना जो है 8,500 रुपए की कॉस्ट में इसका इंस्टॉलेशन जो है वो किया गया है विद रियर व्यू कैमरे के साथ में। कैमरे का आउटपुट नाइट टाइम में यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कैसा कुछ आपको देखने को मिल जाने वाला है। काफी अच्छी क्लैरिटी जो है वो आपको दी गई है। इसके अलावा दोस्तों जेड लिंक के थ्रू जो है आप इसके अंदर एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले को कनेक्ट कर सकते हो। ये रहने वाला है अपना कंप्लीट ग्लॉसी ब्लैक के फिनिश के साथ में। प्राइस की बात हम लोग कर चुके हैं, ऊपर आप देखोगे यहाँ पे बल्ब चेंज किया जा चुका है, ये आप चेक कर लीजिए। मिरर चेंज हो चुका है इनसाइड रियर व्यू मिरर डे नाइट एडजस्टमेंट फीचर के साथ में। इसके अलावा एम्बिएंट लाइट जो है वो लगाई गई है K4 ब्रांड की। इसके अलावा दोस्तों एम्बिएंट लाइट जो है वो लगाई गई है, जो कि बेसिकली K4 में रहने वाली है। 6 पीस में है, 4 दरवाजे हैं और 2 पीस आपको डैशबोर्ड के ऊपर देखने को मिल जाएंगे। अब K4 है तो K4 के अंदर खासियत पता क्या है, जब आप इसको की को जैसे ही आप इंसर्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको एक वेलकम फीचर जो मिलता है बहुत अच्छा इंप्रेशन ऑफर कर देता है, ये आपके सामने है। इसके अलावा इसके अंदर आपको मल्टीपल मोड जो है वो देखने को मिल जाएंगे, जिस तरीके का आपको मूड है उस तरीके से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसकी बात कर लेते हैं स्पीकर्स वगैरह की, स्पीकर वगैरह लग चुके हैं अवतार के। फ्रंट डोर के अंदर कॉम्पोनेंट है और रियर डोर के अंदर कोई स्पीकर जो है वो लगाए गए हैं। डोर के ऊपर कोई फ्लोरिंग वगैरह जो है वो नहीं करी गई। बाकी सीट कवर्स आप देख लीजिए, टैंक लगे ही सीट कवर जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाने वाले हैं, 5500 रुपए वाले हैं। प्रॉपर आप इसकी जो फिट एंड फिनिश है वो चेक कर लीजिए, प्रॉपर आपको देखने को मिल जाएगी। इससे अच्छी फिनिशिंग जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। काफी अच्छे तरीके से इसको जो है वो इंस्टॉल किया जा चुका है। बर्फी पैटर्न नीचे की तरफ है, सेंटर में आपको जो है कुछ इस तरीके की सिलाई देखने को मिल जाती है। रियर में आप चेक कर लीजिए, रियर में कैसा कुछ व्यू जो है ये ऑफर कर रहा है, तो रियर का व्यू कंप्लीट जो है वो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। सारी कुछ एक्सेसरीज थी जो कि इस वाली कार के अंदर इंस्टॉल करी गई है और ये अपना कारप्ले जो है वो आप चेक कर सकते हो, कैसा कुछ जो है वो आपको लुक ऑफर कर रहा है, कारप्ले को कैसा कुछ व्यू आ रहा है वो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। तो यही सब अपडेट जो है वो किए गए हैं इस वाली कार के अंदर। बाकी अब एक बार मिलते हैं कार के ओनर से, जानते हैं कैसा कुछ उनका रिस्पॉन्स है। सर बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों लोगों का। सबसे पहले शुभ नाम बताइए भाई आप। नितिश। और भाई आपका नाम? भाई नितिश। और भाई की गाड़ी में जिसने काम किया उसका नाम भी नितिश ही था। जी भाई, हां जी। तो अब ये बताइए सर कहाँ से आ रहे हैं आप? हम फरीदाबाद से आ रहे हैं। यहाँ के बारे में कैसे पता चला आपको? यहाँ के बारे में यूट्यूब से ही चला है भाई। यूट्यूब से पता चला, मतलब वीडियोस वगैरह देख करके? हाँ हाँ बिल्कुल भाई। और भाई तो हमें मिले भी थे शोरूम में, फरीदाबाद में मिले थे भाई हमें। तो अब ये बताइए सर यहाँ पे आप आए हो, वीडियोस देख करके आए हो, जो चीज आपको चाहिए सारी कुछ यहाँ पे मिल गई? हाँ चीजें तो मिल गई भाई। और फिट और फिनिश कैसा लगा आपको? फिटिंग फिनिश ठीक है। हाँ बढ़िया लगा हमें तो, काफी अच्छा काम करा इन्होंने। मतलब जो वीडियोस में दिखाते हैं वही चीज मिलती है या फिर कुछ अलग हो जाता है? एग्जैक्ट जेन्युइन चीजें मिलती हैं, जेन्युइन मिल जाती हैं। और जो टाटा जेन्युइन वगैरह आपने देखी वो सब वैसी ही रही? हाँ जी बिल्कुल वैसी थी, सेम टू सेम। और बहुत कोऑपरेटिव नेचर था इनका भी, काफी अच्छे थे। बट वीडियो में जैसा टाइम बताते हो आप उससे भी ज्यादा टाइम लगता है, मतलब टाइम और एक्स्ट्रा लेकर? हाँ जी, अगर आपको काम करवाना है तो 9 बजे आओ और 12 बजे तक का प्लान ही बना के बैठना घर पे, इसी यही टाइम बताना घर पे। ज्यादा टाइम लगेगा ही लगेगा, कन्फर्म है। मतलब आपको कितना टाइम लगा? और यहाँ पे भी भैया बता दूं मैं, यहाँ पे कुछ कुछ काम है। हम 12 बजे आए थे और अभी फिलहाल 11:30 हो रहे होंगे, मतलब ऑलमोस्ट 12 घंटे जो है वो अपने कंप्लीट हो गए हैं। अब ये बताइए कि हम पेमेंट वगैरह की बात कर लेते हैं या पहले नंबरिंग की बात करें, 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे आप? 10 में से टाइमिंग की वजह से तो मैं 9 दूंगा। ठीक है, मतलब एक नंबर टाइमिंग के लिए अपना कर जाएगा। टाइमिंग बहुत लगा दी मेरा, शार्क टैंक एंटीना भी लगा। अच्छा शार्क टैंक एंटीना में, शार्क टैंक एंटीना जो है वो नहीं लगा है क्योंकि आज मंडे का दिन था और स्टॉक में खत्म हो गया था, तो कभी कभी स्टॉक जो है ऊपर नीचे हर कोई यार इतना रेंज नहीं कर पाता है, तो उतना अगर उसके लिए नंबर काटने तो काट सकते हो आप। काटेंगे बिल्कुल,
8.5 नंबर देंगे, 8 नंबर हो गए। आप बताइए टाइम का आधा नंबर उसका एंटीने का कट गया है। अब पेमेंट की बात कर लेते हैं, पेमेंट कितनी करी सर आपने? पेमेंट भाई साहब हमने टोटल 77,000 पे। तो पेमेंट वर्थ है? बिल्कुल है, मतलब फॉर मनी है मेरे। अगर मैं ये कहूँ आपकी एक चीज़ नहीं मिली और एक टाइम आपको जो है एक्स्ट्रा लगा है उसको हम छोड़ करके आपको वर्क की बात कर लें तो उसमें कहीं ऐसा ना लगा हो आपको कि यार यहाँ पे आकर के? नहीं 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 ऐसा कहीं नहीं लगा हमें। शॉप पे अवेलेबल हो गई सारी चीजें, बहुत अच्छी थी, हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, बस टाइमिंग को लेके थोड़े इशू थे, बाकी सब अच्छा था। मतलब रिकमेंड आप कर सकते हो ना? हाँ जी बिल्कुल, क्या किसी का पंच हो तो यहाँ पे आ सकते हैं। हाँ जरूर। चलिए सर, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है और आप तो फरीदाबाद से आए उसके लिए आपको बहुत बहुत वीडियो देख कर आए, उसके लिए बहुत धन्यवाद। शुक्रिया जी।